हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों ये देखिए, ये है बोट लिली, जिसे रोयो प्लान भी बोलते हैं। ये प्लान को आज हम लोग रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ज़मीन में अपने आप ये निकला था, कहीं से सीड उड़ के गिरा और ये प्लान तैयार हुआ। पहले छोटा सा एक प्लान था और धीरे धीरे ये देखिए एकदम क्लम्प तैयार हो गए इसके। तो ऐसे ही निकलता है ये प्लांट, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखिए साइड में कैसे निकला है छोटे छोटे इस तरह पप्स। इसे बोट लिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे फूल खिलते हैं सफ़ेद रंग का, वो बोट शेप जो लीफ है, मॉडिफाइड लीफ उसके अंदर होता है और फ्लावर से फिर सीड्स बनता है। और ये चूंकि बरसात का सीज़न है फ्रेंड्स, तो आप इधर देख सकते हैं जो सीड्स है वहीं पर ही प्लांट्स ये देखिए तैयार हो गया। छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट तैयार हो गया है, तो बहुत आसान है इसको प्रोपागेट करना। आप यहीं से आप ऐसे छोटे प्लांट्स को ले सकते हैं और गमले में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है इसके मॉडिफाइड लीफ और उसके अंदर आपको कुछ दिख रहा होगा, फ्लावर्स तो अभी सूख चुका है और वहाँ पर ही सीड्स भी बनता है और वो सीड्स इधर उधर उड़ती है और जहाँ भी वो गिरता है वहाँ अपने आप प्लांट्स निकल आते हैं। तो ये प्लांट भी उसी तरह निकला था और मुझे लगा चलिए इसको आज गमले में हम लोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके केयर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, इसको मिट्टी कैसे चाहिए। ऐसे तो ज़मीन में आप लगाएंगे तो कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, और लेकिन गमले में अगर आप लगाते हैं तो वेल ड्रेन आपको मिट्टी देना पड़ेगा। इसको पानी बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए होता है, सूखा बर्दाश्त कर लेती है। और एक बार जब आप पानी देते हैं, दोबारा तभी पानी इसको देना है जब मिट्टी सूख जाए पूरी तरह। ये एक हाउस प्लांट है और अपने फॉयलेज के कारण बहुत फेमस है। ये देखिए इसके लीव्स नीचे की तरफ जो पर्पल कलर है बहुत अच्छा दिखता है, ऊपर ग्रीन कलर, तो गमले में भी बहुत अच्छा दिखता है। और फिल्टर्ड सनलाइट या पार्शियल शेड में ये अच्छा करता है। और अगर आप इसको कंप्लीट शेड में रख देंगे तो एकदम लेगी जैसा हो जाता है ये प्लांट। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको प्रॉपर धूप मिले। हाँ, जो दोपहर की जो चिलचिलाती धूप है उससे इसको बचा के रखिए, नहीं तो पत्तियाँ जो है वो जलने जैसा हो जाता है। तो बहुत आसान है इसको लगाना, बिगिनर फ्रेंडली प्लांट है। हाल ही में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी बिगिनर फ्रेंडली प्लांट कौन कौन से है, तो ये आप लगा सकते हैं क्योंकि पानी की भी बहुत ज़्यादा इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। और तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए इसका जो शेप है फ्रेंड्स, इसका शेप ऐसा है कि इसको अगर आप चौड़े गमला देंगे तो ये देखने में बेहद खूबसूरत दिखता है, क्योंकि इसके जड़ों को बहुत ज़्यादा लेंथ वाली जो गमला है वो नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ये स्प्रेड होता है, वर्टिकली बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, चौड़ाई में ये फैलते जाती है। तो चौड़े कंटेनर अगर आप इसको देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये पप से तो लगता ही है, बहुत आसान है लगाना, लेकिन ये स्टेम कटिंग से भी लग जाता है। आप इस तरह स्टेम कटिंग्स ले सकते हैं और बहुत आसानी से ये स्टेम्स से लग जाती है। तो ये देखिए दो गमला मैं रखी हूँ, एक तो ये लंबा ये देखिए, तो इसमें तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया। और देखिए ये एक चौड़ी कंटेनर, तो इसमें हम लोग लगा देंगे इसको। बस मैं एज इट इज़ रख देने वाली हूँ और थोड़ा और जो वेल ड्रेन सॉयल है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू यानी सैंड और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या कोई सा भी कंपोस्ट मिला के मिट्टी तैयार करें, वो वेल ड्रेन रहता है। प्लांट का हाइट को देखते हुए थोड़ा सा मिट्टी गमले में डाल दिया गया और प्लांट को बस ऐसे रख देना है और जो भी गैपिंग्स दिख रहा है वहाँ पर और थोड़ा सा मिट्टी से फिल कर देंगे। प्लांट लग चुका है और इसको मैं एक दो दिन के लिए थोड़ा सा शेडी एरिया में रखूंगी ताकि थोड़ा सेट हो जाए प्लांट। ऐसे भी इसके जो नीचे की मिट्टी है वो हम लोगों ने हटाए नहीं है, लेकिन तब भी ऑलवेज बेटर कि जब भी आप इस तरह प्लांट को कहीं से उठा के दूसरे जगह लगाते हैं तो थोड़ा सा उसको रेस्ट देना चाहिए। तो और उसके बाद तो जहाँ इसको रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा जहाँ धूप आती हो वहाँ से वहाँ मत रखिए, आउटडोर में आप रख सकते इसको। और बस दोपहर की बहुत ज़्यादा धूप ना लगे, वही बस हमें इसको देखना है।
ये देखिए दोस्तों, प्लांट एकदम सेट है। कुछ दिनों के बाद ये देखिए, इसमें छोटे छोटे, आपको अगर नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे वाइट कलर का टाइनी फ्लावर्स है, तो बेहद खूबसूरत दिखता है, इसीलिए इसको बोट लिली कहा जाता है। एकदम बोट शेप्ड जो मॉडिफाइड लीफ है और उसके अंदर फूल। दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दे, और फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।